तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में कहां से कितने सीटें और किसने लाई हैं, और इसे आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा ऑफिशियल डाटा है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, यही डेटा लेके सारे न्यूज चैनल वाले और सारे अखबार वाले यहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो देखिए झारखंड में टोटल 81 MLA का सीट है। ठीक है, 81। वहीं आपका महाराष्ट्र में 288 है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने फर्स्ट मारा है 129 सीट, और SHS 55 सीट्स, NCP ठीक है इसमें 40 है, और बाकी ये आपकी कांग्रेस का 19 है, और ये आपका इनका 20 है। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग झारखंड से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं झारखंड से, ये आपका PC इलेक्शन, एक मिनट यार ब्लैंक हो गया पूरा ना, चलिए इसको नहीं देखना है, केरला वगैरह का है तो हम लोग को यही देखना है। ठीक है, AC थोड़ा सा टाइम लगता है, AC जनरल इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए झारखंड में JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का 33 सीट है, बीजेपी इन्होंने 22 सीट अर्जित किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 16 सीट, RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यही है ना, इन्होंने 5 सीटें, और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML ठीक है, तो और L लेफ्ट विंग वाले हैं, तो इसमें आपके 2 सीटें आई हैं। अब देख लेते हैं, तो जैसे अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हैं कि आपके आपके विधानसभा क्षेत्र से कौन जीता है, तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा डिटेल। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए आपको आना कहाँ से। ठीक है, अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो सबसे पहले आइएगा गूगल, सर्च मारिएगा ECI, क्या लिखिएगा ECI, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन आप इस तरह से वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र एंड झारखंड असेंबली इलेक्शन लिखा हुआ रहा रिजल्ट। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हमको डिटेल जानना है तो डिटेल पे क्लिक करेंगे और डिटेल ये आपका खुल जाएगा झारखंड का। ठीक है, क्योंकि झारखंड पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देखिए JMM 33 है, BJP 22 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 16 है। ठीक है, और RJD 5 गो है, CPI 1, और LJPRB इसमें 1 है, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक है, जयराम मातो, इन्होंने भी 1 सीट लेते आया। चलिए अच्छी बात है, और उम्मीद था लेकिन नहीं हो पाया, चलिए जितना भी है। ठीक है, तो भाई खेला हो गिलू नहीं और पढ़ेगा भाई, भाई पढ़ाई लिखाई होगा जी, चलिए जो भी होगा। तो देखिए यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ये हो गया। अब हमें देख करना है कि कौन सा असेंबली से किसने जीता है, तो दो तरीका से चेक कर सकते हैं। यहाँ से एक आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा नाम, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम है। ठीक है, तो आप यहां से आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र जो भी है आपका, यहां से नाम सर्च कर सकते हैं। और दूसरा अगर आपको सबका देखना है एक ही साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट अ ग्लैंस पे क्लिक कीजिएगा, और ये आपके सामने 21 गो सभी का आ जाएगा। देखिए इसको आप हिंदी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है लीडिंग कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि किन्होंने यहाँ पे जीता है, तो सब हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव नवंबर 2024 में रुझान एवं परिणाम, झारखंड यहाँ पे देखिए सबका है, बागमारा 43 सीट्स, बगोदर 29 सीट्स, फिर आपका बहरागोड़ा 44 को सीट, बरहेट में 3, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ यार, ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है ये किन्होंने जीता है, जैसे कि बागमारा से शत्रुघ्न महतो, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, और अनुगामी अभ्यर्थी तो जलेश्वर महतो, ठीक है, पिछड़ता, फिर अनुगामी दल, इस दल का नाम लिखा है, तो आपको जनरली यही देखना है ये और किस पार्टी से है, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, परिणाम आपके सामने ही है, अपना अपना सब कुछ चेक कर लीजिएगा, जैसे बोकारो हो गया, बोरिया हो गया, ठीक है, सभी का पूरा ये देवघर। अब बोलिएगा नेक्स्ट, आप पेज नंबर 2 पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पेज नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिस्ट चेक कर सकते हैं। अंतिम है टुंडी
तो सबका चेक कर लीजिएगा एक एक करके, ठीक है, कौन कौन कहाँ पे है, इस तरह से डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, और मैंने बता दिया कैसे चेक करना है, यहीं से आप हर बार चेक कर सकते हैं ऑथेंटिक रूप से, सही जानकारी एकदम यहीं से मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, और क्या बताएं, खेला हो गया तो अब